श्री राम का फ्लैग लेके आए हुए हैं चाइना, तो इसको यहाँ चाइना में लहराएंगे। अगर चाइना में कोई लड़का शादी करता है तो लड़की के पेरेंट्स को लड़के वालों को रुपए देने होते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और 7 बजे से 10 बजे तक जो है ब्रेकफास्ट है हमारे होटल में फ्री, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री तो कुछ ही नहीं होता, सब पैसे में इंक्लूडेड है, तो वही हम कर रहे हैं। एकदम बहुत हेल्दी सा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ चाइनीज है, उल्टी सीधी वो हम नहीं खा रहे। ये देखिए, ये है ड्रैगन फ्रूट, सेब है और बेर और वही सब खरबूजा वगैरह खा रहे हैं। देखिए, और ये चाइना से ही हैं। तो ब्रेकफास्ट करके अभी आ चुके हैं खुशदीप भाई के रूम में। ये देखिए खुशदीप भाई का रूम है, और इस रूम से भी मतलब बाहर का बहुत अच्छा व्यू आता है। देखते हैं, आपको बिल्डिंग वगैरह दिख रही हैं। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा काम से बाहर, तो आज बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा बताएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी मतलब देशों से लोग आए हैं, उनके साथ कैंड आप मतलब एक कंपनी है उसका टूर है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि वो सब काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं तो शुरुआती लेवल का हूँ। बट ठीक है, चलिए आज दिखाते हैं आपको जितना भी दिखा पाते हैं। फिलहाल ये देख लो मेरे होटल से बाहर का व्यू, और मैं बिल्कुल रेडी हो गया, सारा सामान इधर रख दिया सोफे पे, और बाकी चलिए चलते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए बाहर चलेंगे, बाकी जिस काम के लिए आए थे कंपनी में वहाँ भी चल रहे हैं, थोड़ा सा कल विजिट करके आए थे तो वीडियो नहीं बनाया। आज देखते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि बना के आपको दिखाएं कि कितने जो है कंपनी कितनी बड़ी है। वो 46,000 प्लस यानी 50,000 स्क्वायर फुट में है। कल हम लोगों ने मतलब 5,00,000 बता दिया था, वो 50,000 था वो, 50,000 स्क्वायर फुट थी वो, 50,000 स्क्वायर फुट में बनी हुई है। तो और वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रुपए की है कुछ आपको? 50,000 स्क्वायर फुट में बनी है, और 50,000 यूएसडी इंडिया का अप्रोक्स। अरे नहीं, इन्होंने बनाने में कितना रुपया लगा है? कुछ शायद मिलियन बिलियन बता रहे थे। हाँ, बता रहे थे कुछ बहुत, लेकिन भाई वो कंपनी 6 महीने बना खड़ी कर दी है हमारे। हाँ। इंडिया में उस कंपनी में 6 महीने पेंट हो पाएगा जितने उन्होंने कंपनी बना खड़ी भाई है। अलग ही स्पीड है। देखिए छत है, ये छत के ऊपर ये घास फूस पेड़ पौधे, अपने यहाँ तो एक दो गमले में वही लगा लेते हैं, क्या गुलाब लगा लेंगे, और वो कौन सा आता है फूल, गेंदा गुलाब यही सब लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा बगीचा बना के रखे हैं लोग। तो अभी हम आ गए हैं अपने रूम में, और आपको एक चीज दिखाते हैं बहुत ही सरप्राइजिंग। ये देखिए हमारे व्यू से कुछ, हमारे रूम से कुछ ऐसा व्यू आता है, क्योंकि हमारा 10वें फ्लोर पे है। लीजिए कुछ इस तरीके का व्यू है। और आज है 22 जनवरी, आज जो है अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो है वो मंदिर जो बन रहा है उसका आज क्या कह सकते हो उद्घाटन है, आज वहाँ पे ओपनिंग है। तो हमने सोचा क्योंकि सब लोग अयोध्या जा रहे हैं वहाँ, और हमें काम था तो हम यहाँ आए हुए हैं। अयोध्या में ऑब्वियस सी बात बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, तो वहाँ जाना एडवाइजेबल नहीं है अभी, आगे तो वो हमेशा के लिए मंदिर रहेगा, तो आप कभी भी जा सकते हो। तो हम ये देखिए जो है श्री राम का फ्लैग लेके आए हुए हैं चाइना, तो इसको यहाँ चाइना में लहराएंगे, ठीक है। और इसका एक ये हम लेके आए थे स्पेशली इसी के लिए, ठीक है। देखिए कहीं भी जाओ कुछ भी करो, लेकिन अपने जड़े मत भूलो, ठीक है। तो ठीक है, जय श्री राम। अभी चलते हैं इसको फहराएंगे। थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं तो बुद्ध और बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं, बाकी मोस्टली लोग धर्म को मानते ही नहीं हैं। भाई मैं अभी रूम ऐसे छोड़ के चला गया था, तो ये इन्होंने देखिए बेड वगैरह बिल्कुल सही कर दिया, और जो हमारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे उसको एकदम सही कर दिया, तो मतलब सर्विस काफ़ी अच्छी है। और बाकी मैंने बोल दिया पानी की बोतल वो भी वहाँ पे चेंज कर देंगे, वहाँ पे जो है चाइनीज़ खाना जो होता है मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 4 पानी बोतल रखती भी, इनको बताया था, इनको भी इंग्लिश नहीं आती है तो इनको जो है ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। यहाँ के लोग मतलब इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं, और आई थिंक वो सीखना भी नहीं चाहते। कंपनी की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं लेकिन वो इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, वो चाइनीज़ में ही बोलती है। अभी चलते हैं, आज घूमते हैं थोड़ा सा। और यहाँ कुछ भी कहीं भी अगर आपको जाना है तो भाई जो आपका होटल में कार्ड मिला है मतलब होटल के अंदर, वो आपको टैप करना पड़ेगा,
तभी जो चलेगा। जैसे मान लो सपोज इसमें तो कई फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, दिखाते हैं आपको कितने फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ पे बटन प्रेस किया और जो लिफ्ट जानी होगी नीचे वो वाली, उसमें ये लाइट जलने लगेगी। और इस बिल्डिंग में टोटल जो है 28 फ्लोर हैं, और सपोज अगर हम 28 फ्लोर पे जाना चाहें तो ये बटन ही नहीं दबेगी जब तक, अगर हमारे पास 28 फ्लोर पे रूम है और उस रूम का कार्ड है उसको यहाँ पे टैप करेंगे ऐसे, तब जो है बटन दबेगी। तो अभी ये हमारा एक फ्लोर पे, हम नीचे जा सकते हैं बस। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं होटल की लॉबी में और ये है नीता, से हाय टू माई ब्लॉग। और ये अभी ये बता रही, ये मैरिड है, इनके बच्चे भी हैं, और ये बता रही हैं कि जो है अगर चाइना में कोई लड़का शादी करता है तो लड़की के पेरेंट्स को लड़के वालों को रुपए देने होते हैं। तो अभी चल रहे हैं कंपनी। यू वांट टू कम इन द वीडियो? नो, आई डोंट वांट टू, बट आई स्टिल नीड टू मीटिंग में है अनीता हमारे साथ में है और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए जा रहे हैं और ये मीटिंग चल रही है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें है, और अगर आप इस तरीके की इन्वर्टर सारी चीज़ें बनाते हो तो ज़्यादा आसानी होगी आपको चीज़ें बेचने में, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। इससे बात कर रहे हैं, करीब एक घंटा हो गया है सब लोग बैठे हुए हैं, और ये वही बोर्ड है जिस पे खान सर पढ़ाते हैं ना लिख के, इसी तरीके का ये बोर्ड है। तो ये है वो कंपनी, ये कंपनी का इधर ऑफिस है, इधर ये फैक्ट्री है, यहाँ इन्वर्टर बैटरी बनते हैं। तो अभी जो है बहुत सारी बातें जो है चाइनीज़ लोगों से हमने डिस्कस किया, उनको बताया कि चाइनीज़ लोग, इंडियन लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ, क्योंकि तुम लोग लफड़ा करते रहते हो बॉर्डर पे, इस वजह से, इन शॉर्ट हिंदी चीनी भाई भाई पहले थे लेकिन अब तुम लोगों ने लफड़ा कर दिया है तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, पर तुम लोग अच्छा कर रहे हो। चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर अच्छा रिलेशन बना के रखे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे इजराइल के साथ हैं। अभी हम आ चुके हैं कंपनी के अंदर और यहाँ पे देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी बैटरी लगी हुई हैं, और ये सब लिथियम बैटरी हैं। दिस इज लिथियम बैटरी ना? यस। ओके, और दिस इज BMS? PCS। ओके, सो ये है पूरा सिस्टम, और इसकी कैपेसिटी, हाउ कैपेसिटी, 200 किलोवाट। ये 200 किलोवाट की जो है कैपेसिटी है इसकी। और यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टर है, ये 8 किलोवाट का 3-phase इन्वर्टर है। दिस इज ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर? ओके, दिस इज हाइब्रिड इन्वर्टर, एंड ये 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर सा है भाई। यहाँ पे देखिए ये सब इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं। तो कंपनी में विजिट किया, बहुत सारी चीज़ें देखी सीखी, और ये भाई अपने कनाडा से और अफ्रीका से, इनकी कनाडा अफ्रीका दोनों देशों की सिटीजनशिप है, तो अभी तो कनाडा से। तो अभी हम लोग जो है कंपनी में जो काम था वो सब कुछ हो गया है, ये लोग चाहते हैं इंडिया में बिजनेस करना, तो अभी हमने इनको बता दिया है कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से तुम्हारा जो बिजनेस करना हो सकता है नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें बता दी है। बाकी हम लोग सिर्फ देखने के लिए आए थे, अभी जस्ट हम चौंकिंग जाएंगे और चौंकिंग में थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर वापस सिंजन, और सिंजन फिर आपको थोड़ा बहुत घुमाएंगे दिखाएंगे, उसके बाद घर। अभी जो है हम फैक्ट्री से निकल लिए, भाई कार यहाँ कितनी कंफर्टेबल है, और ये चाइनीज कार है, और ये मतलब जैसे इनोवा की सबसे बड़ी वो कार नहीं आती है, और किया की आती है कारने शायद, या कार्निवाल, किया कार्निवाल ना, वैसी है भाई, कितनी बड़ी सीटें हैं, मतलब एकदम हैरियर से भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है भाई ये। तो अभी ये ड्राइवर हैं, गाड़ी दिखाते हैं भाई ये कितनी अच्छी है। ये देखिए वुडन फिनिश में है, लेदर लगा हुआ यहाँ पे, और
ये यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक गाड़ियां मैं देख रहा हूँ, वो गियर शिफ्टिंग वाला सिस्टम ही खत्म है। और ये देखिए, तो देखिए रोड कितनी ये देखिए यहाँ की मार्केट। ऊपर हमें लग रहा रहने वाली बिल्डिंग है और नीचे ये जूतों की दुकान, हर एक चीज दुकान है, कपड़ों की। एक टनल आने वाली है, दिखाते हैं आपको अभी कर रहे हैं। वाइट टेस्ला यहाँ भी फेमस है, ये देखिए। एवरी टाइम मेकिंग वीडियो 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 हैं बैक होटल। और ये देखिए JW मैरिट होटल है, ये जो है इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसके जो होटल मिलेंगे उसमें इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम रहेगा। और अभी हम लोग फिर से डिनर करने जा रहे हैं। और ये देखिए, ये पनीर जैसा है, ये है टोफू, पनीर नहीं है। और दिखाते हैं ये शायद तो सो कुछ तो वाइन जैसी है, और ये शायद पास्ता है, पर वेज है नॉन वेज है आई मैं कंफर्म नहीं कर सकता। व्हाट इज दिस पोर्क पिग? ओह ये सुअर या कुछ है भाई, ये नहीं खाना है। ये जूस है, ये कोको कोला है, और ये ऑरेंज जूस है। और यहाँ पे देखिए ये सब चाइना से ही हैं, ये कनाडा से हैं, और भी देशों से लोग उधर आए हुए बैठे हुए हैं। कौन कौन से देश से यहाँ लोग आए हैं? लाइबेरिया, सर्बिया और अजरबैजिस्तान, अजरबैजान, पोलैंड, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, हर जगह से लोग आए हुए, ब्राज़ील से भी लोग आए हुए हैं, इवन नेपाल लोग लोगों का भी था लेकिन वो आए नहीं। और पहले से कर चुके हैं जब वो रिबन कटिंग सेरेमनी जब हम लोग आने वाले थे। अच्छा हाँ, रिबन कटिंग सेरेमनी में हम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उस समय हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो उस वजह से हमने जो है प्लान थोड़ा और आगे नहीं कर दिया, तो उस वजह से नहीं आ पाए। तो यहाँ पे कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात जरूर है कि हम हेल्दी जरूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खा क्या रहे हैं। देखो भाई, घास फूस ये पालक उबाल के दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे और सब लोग देखिए खा रहे हैं, दिखाइए थोड़ा सा। ये सब लोग जो है नॉनवेज खा रहे हैं, इसमें बीफ भी है, मछली भी है, चिकन भी है, सारी चीज़ें हैं, तो हम तो वो सब चीज़ें खा नहीं सकते, तो हम ये खा रहे हैं। और वो ब्रोकली कहते हैं कुछ लोग, तो यही चीज़ें भाई हरा भरा खा के काम चला रहे हैं। और यहाँ भाई कोई रोटी और चावल खा ही नहीं रहा है, सब लोग सीधे मीट खा रहे हैं या तो सब्जियाँ उबली हुई खा रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है चाइनीज़ लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो लोग रॉ वेजीज खाते हैं, वो भी उबाल कर, तेल में फ्राई करके नहीं लोग खाते हैं। तो अभी ये देखिए कुछ और मीटिंग थी, उसमें कुछ गिफ्ट दिए हैं। और आइए आइए थोड़ा सा जिम देखते हैं, यहाँ का होटल का आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए जिम है होटल का, यहाँ पे कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये सब अलग अलग मशीनें हैं। इधर वेट बहुत छोटे छोटे रखे हैं भाई, यहाँ बड़े वेट ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। चलिए आइए। तो पार्टी फाइनली ओवर हो चुकी है, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारा चाइनीज़ फूड खाया, हमने तो ज़्यादा खाया, खुशदीप भाई ज़्यादा खाने पे। चाइनीज़ फूड क्या है, लोग सब कुछ उबाल के खाते हैं। ब्रोकली मुझे हमेशा से अच्छी लगती है, तो ब्रोकली खाया, और वो पालक कुछ उबाल के दिए थे, गाजर, मूली और भी बहुत सारी सब्जियां वो लोग ला के देते रहे, हम उसमें से खाते रहे। टोफू था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो लोग तो अपना पोर्क बीफ वो सारी चीज़ें खा रहे थे, वो हमने नहीं टच किया भाई। और वाइन भी कुछ लोग पी रहे थे, बियर भी पी रहे थे। तो उसके बाद में ये सारी कुछ सेरेमनी हो गई, अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, तो उसके बाद में इन्होंने एक गिफ्ट दिया, बाद में क्या पहले दिया था,
तो इसमें देखते हैं क्या है। अब मुझे तो लग रहा था कि इन्वर्टर और वो बैटरी बनाने वाली कंपनी है तो इन्वर्टर ही छोटा होना चाहिए, पर वो नहीं उन्होंने बताया। पर देखते हैं क्या अनबॉक्स करते हैं। सो कोई चाइनीज फूड ना हो बस। आज आ जाइए, आ जाइए, पड़ोस आ जाइए, थोड़ा दिखाइए। ये कुछ तो है, वाओ, ये क्या है भाई? ये टी सेट है भाई, ये चाइनीज टी सेट है। और ये बोट है भाई चाइनीज, ये मतलब एक सुवनियर के तौर पे दिया है इन्होंने। ये अगरबत्ती मुझे लग रही, ये देखो, और इसमें छन्ना लगा है भाई अंदर। तो ये गिफ्ट के तौर पे है, बाकी कुछ खास नहीं है। इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और बाकी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।